ट्रेवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां जो हम बात कर रहे थे टॉपिक था अपना ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से कीटोन का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ कीटोन। और आप जानते हैं कि हमने दो मेथड हमने पढ़ लिए थे, फर्स्ट था अपना रिएक्शन विद एथिल एस्टर और सेकंड था अपना रिएक्शन विद एल्किल साइनाइड। अब यहां पर जो हम लेने जा रहे हैं वो यहां पर हम लेंगे तीसरा मेथड, यहां पर हम लेंगे तीसरे में क्या होगा, यहां पर जो थर्ड मेथड है उसमें आप रिएक्शन कराओगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट की, किसके साथ, एल्केनॉयल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, जिसे हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। जिससे होगा क्या कि जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्केनॉयल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो यह कीटोन का निर्माण करेगा। तो देखिए आप यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, सबसे पहले तो ये लिखा मैंने यहां पर सी डबल ओ और यहां लगा दिया मैंने एक लगा दिया आर और यहां लगा दिया मैंने सी एल, तो ये हो गया आर सी ओ सी एल। और जो ये आर सी ओ सी एल है ये होता है एल्केनॉयल क्लोराइड, ये मैंने यहां पर लिया है। और जो ये एल्केनॉयल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन आप यहां पर करवाएंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। और आपको पता है ही कि जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता क्या है, ये होता है आर एम जी एक्स यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ये जो रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे ये यहां पर हम कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्योंकि इस अभिक्रिया में इस रिएक्शन में यहां पर भी आर है यहां पर भी आर है, तो इसको मैंने यहां पर आर डैश कर दिया। अब देखिए आप जानते हैं कि जहां पर भी आप जी आर लेंगे हमेशा इस वाले बॉन्ड को ही हम ब्रेक करते हैं, एम जी मेटल है तो एम जी पे आएगा प्लस चार्ज, आर पे आ जाएगा माइनस चार्ज। और यहां पर आप जानते हैं कि कार्बन और ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ओ, तो ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इनको आप भेजोगे विपरीत आवेश पे, तो जो नेगेटिव वाला है वो तो जाएगा पॉजिटिव वाले के पास और जो पॉजिटिव वाला है वो जाएगा नेगेटिव वाले के पास और यह हो जाएगा यहां पर सिंगल बॉन्ड। तो देखिए आप यहां पर होगा क्या, ये तो हो गया आपका कार्बन, कार्बन से यहां पर लगा हुआ क्या है, एक तो लगा हुआ है यहां पर आर डैश, यहां पर क्या लगा हुआ है सी एल, इस कार्बन के पास कौन लगाकर आर, तो यहां लगा दिया मैंने आर। और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो होगा डबल वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और ओ के पास कौन लगाकर, ओ के पास यहां पर एन जी एक्स आकर जुड़ेगा। और जो यहां पर आपको प्राप्त होगा ये यहां पर कहलाएगा एडक्ट या युगोत्पाद कहलाएगा। अब जो यहां पर ये बना हुआ एडक्ट यानी युगोत्पाद है उसको जब आप हीट करेंगे तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। आपको ये पता है कि ओ और एम जी में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ओ, तो ओ पर तो होगा यहां पर माइनस चार्ज, एम जी पर होगा यहां पर प्लस चार्ज, ओ पे नेगेटिव और एम जी पे आ जाएगा पॉजिटिव। होगा कार्बन और सीएल में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सीएल, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे सीएल के ऊपर, तो जो यहां सीएल है ये निकलेगा सीएल नेगेटिव के रूप में। और ये जो आप देख रहे नेगेटिव चार्ज ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर क्या रहेगा डलोन, ये अपने बॉन्ड यहां पर ये हो जाएगा यहां से ब्रेक, ये निकलेगा सीएल नेगेटिव के रूप में वो जाएगा एम जी के पास। तो आप यहां देख रहे हैं कि एम जी के पास एक तो लगा हुआ है कौन एक्स और एम जी के पास जुड़ेगा कौन आकर सीएल। अब यहां क्या बचेगा आर
सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ, क्योंकि यहां पर बॉन्ड आएगा तो ये हो जाएगा यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा यहां पर आर डैश, और जो आपको कंपाउंड यहां मिलेगा ये हो जाएगा कीटोन। इस प्रकार से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की क्रिया हम अम्ल क्लोराइड से कराते हैं या एल्केनॉयल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है एज ए प्रोडक्ट। अब यहां पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है उसकी रिएक्शन हम कराएंगे एसिड एमाइड के साथ, जिसे हम कहते क्या है एल्केनामाइड कहते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले ये लिखा इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड ओ, यहां लगा दे मैंने आर डैश और यहां लगा दे मैंने एन एच टू। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम कहते क्या है ये होता है एसिड एमाइड अम्ल एमाइड, जिसको हम आईयूपीएसी में कहते हैं एल्केनामाइड कहते हैं। अब यहां पर जो मैंने ये एल्केनामाइड लिया है इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये क्या होता है ये होता है आर एम जी एक्स एल्केन मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम शॉर्ट में जी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों की रिएक्शन आप यहां पर करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब आप जानते हैं कि जहां कहीं भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिले वहां पर आपको हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। Mg मेटल है, Mg पे आएगा प्लस चार्ज और R पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहां पर आप जानते हैं कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है O, O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इनको आप भेजोगे विपरीत आवेश पे तो होगा क्या, नेगेटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, और जो ये पॉजिटिव वाला है ये जाएगा नेगेटिव वाले के साथ जाएगा। अब होगा क्या यहां पर जब जोड़ोगे तो यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा देखिए ये तो यहां पर है कार्बन, कार्बन से एक तो लगा हुआ यहां पर आर डैश, यहां क्या जाएगा यहां पर है एन एच टू। अब कार्बन के पास कौन आएगा, कार्बन के पास यहां पर आ गया कौन आर, ये क्या हो जाएगा यहां पर सिंगल बॉन्ड, और आप जानते हैं ओ के पास कौन जुड़ेगा आकर एम जी एक्स यहां आके जुड़ेगा, और जो ये बना है ये होता क्या है ये होता है यहां पर एडक्ट यानी योगोत्पाद। अब जो यहां पर ये एडक्ट बना है इसको आप यहां पर हीट करेंगे गर्म करेंगे, रिएक्शन सेम होगी जैसा मैंने आपको पीछे बताया था। कैसे देखिए आपको ध्यान है ऑक्सीजन और Mg में Mg मेटल है, Mg पे होता है प्लस चार्ज और ये जो O होगा इस पर होगा यहां पर नेगेटिव चार्ज, इसको आप क्या करेंगे यहां से ब्रेक कर लेंगे तो होगा क्या नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा यहां पर, तो यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा यहां क्योंकि कार्बन के कंपेयर में एन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब ये जो पोर्शन होगा कहां जाएगा प्लस वाले के पास, तो आप देखेंगे कि जो Mg है Mg उस पर एक x लगा हुआ है, Mg पे यहां पर है प्लस चार्ज, ये शिफ्ट होगा यहां पर तो पहलेगा नेगेटिव चार्ज, तो ये जुड़ेगा Mg के पास जाकर NH2। अब देखिए आप यहां पे बाकी बचा क्या, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और यहां मिलेगा आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा आर डैश, और यहां जो आपको मिलेगा ये कंपाउंड हो जाएगा कीटोन। इस प्रकार से आप कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से, यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा कीटोन प्राप्त करने हैं तो ये चार मेथड है, चार तरीके हैं। फर्स्ट मैंने बताया था रिएक्शन विद एथिल एस्टर, सेकेंड था रिएक्शन विद एल्किल साइनाइड, थर्ड अभी हमने बात की रिएक्शन विद एल्केनामाइड हो गया यहां पर,
और एक हमने बात की थी रिएक्शन विद एल्केनॉयल क्लोराइड, या हम बोलते हैं उसको एसिड क्लोराइड। इन चार मेथड के द्वारा आप कीटोन प्राप्त कर सकते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन के द्वारा। और ये जो रिएक्शन है इसको हम नैप रिएक्शन, नैप अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो नाइट्रो एल्केन होते हैं उनकी रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ, क्षार के साथ। मान ली आप यहां पर जो बेस लेंगे वो लेंगे आप यहां पर NaOH, तो आपको मिलेगा सॉल्ट यानी लवण प्राप्त होगा। और जो आपको यहां सॉल्ट प्राप्त होगा उस सॉल्ट का आप करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड प्रबल खनिज अम्लों के द्वारा। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या लोगे आप नाइट्रिक एसिड, या लोगे आप यहां पर HCl। ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है। और जब आप सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस इनके द्वारा कराओगे तो आपको एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आप यहां पर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेंगे, क्या लेंगे आप यहां पर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, वो तो लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में निर्माण करेंगे किसका, एल्डिहाइड का। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन अगर आप लेते हैं तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कौन होंगे, वो होंगे कीटोन। और यह बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होते हैं वो ये रिएक्शन जो होते हैं इन रिएक्शन को नहीं दर्शाते। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे, कौन 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन डजंट शो दिस रिएक्शन। क्यों शो नहीं करते, क्योंकि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन में अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन इस अभिक्रिया को नहीं दर्शाती। अब मान लिया मैंने यहां पर जो नाइट्रो एल्केन ले रहा हूं, मैंने ये लिया सबसे पहले, यहां लिया मैंने CH2 और यहां लगा दिया 1H, ये तो हो गया CH3 और यहां लगा दिया मैंने NO2। जो मैंने यहां पर ये लिया है इसका नाम है नाइट्रोमेथेन। और जो आप यहां देख रहे हैं नाइट्रोमेथेन जो लिया है इसमें नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, इसमें कितने अल्फा अच्छे हैं 3। तो ये कैसा है, यह एक 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे इसमें जो ये अल्फा एच होते हैं ये नेचर में होते हैं एसिडिक यानी अम्लीय। तो जो आपने यहां पर ये नाइट्रोमेथेन लिया है इसकी सबसे पहले आप यहां करेंगे रिएक्शन, क्षार लोगे आप यहां पर बेस लोगे NaOH के साथ। और जब इसकी रिएक्शन आप क्षार के साथ कराओगे तो ये देखिए यहां रिएक्शन होगी कैसे। तो यहां देखेंगे आप इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, यानी इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये तो रिमूव करेगा यहां पर -H2O जल के अणु को, और जहां पर अल्फा एच है वहां जुड़ेगा कौन आकर Na, और क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यहां पर CH2, यहां जुड़ गया कौन आकर Na, और यहां क्या लगा हुआ है NO2। और जो आपको यहां मिलेगा ये हो जाएगा क्या, ये कहलाएगा सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रो मेथेन, ये यहां पर नाइट्रो मेथेन का सोडियम सॉल्ट कहलाएगा। और जो यहां पर सोडियम सॉल्ट आपको मिल रहा है नाइट्रो मेथेन का, इसको आप करावे आप यहां पर हाइड्रोलाइज। तो मैंने यहां पे आप क्या किया, यहां लिखा मैंने ओ
और यहां लिया आपने स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, लिया मान लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो आप यहां करेंगे क्या, आप यहां पर यहां से हटाएंगे NO2 को और यहां से हटाओगे आप Na को। जब आप ये यहां से हटाएंगे तो यहां बचा कौन, CH2 और इसका एक O, तो ये हो गया CH2O और आपको यहां क्या मिलेगा, ये हो जाएगा C, ये हो गया H2 और यहां आ गया O, और जो कंपाउंड आप देख रहे हैं बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसी प्रकार से नाइट्रोमेथेन की जगह पर हम लेंगे अब नाइट्रो एथेन, तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया, यहां लिखा मैंने CH3, ये हो गया यहां पर CH2 और यहां लगा दिया मैंने NO2। ये जो लिखा है इसका नाम क्या है, इसका यहां पर नाम है नाइट्रो एथेन। और आप जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा, दो अल्फा एच है, तो ये कैसा है, यह एक 1° नाइट्रो एल्केन है। और यहां जो आपने ये 1° नाइट्रो एल्केन लिया है, इसकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन, बेस लोगे आप यहां पर NaOH। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए आपको ध्यान है कि यहां जो अल्फा एच होता है ये होता है एसिडिक, तो बेस का तो ये वाला OH और अल्फा एच, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, ये यहां रिमूव करेगा H2O को, और जहां पर अल्फा एच है वहां आप लगा देंगे Na को, और क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये हो जाएगा CH3, ये है CH, यहां आ गया कौन Na, और यहां लगा हुआ कौन है NO2। तो जो ये मिला है ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, किसका, नाइट्रो एथेन का, तो ये यहां पर कहलाएगा क्या, ये हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो एथेन कहलाएगा। अब जो ये बना है इसको आप यहां पर बिल्कुल सेम कंडीशन में रिएक्शन कराओगे, यहां लिखा है मैंने O और यहां लिया आपने स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको करना क्या है वो देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से आप हटाएंगे NO2 को और अल्फा वाले कार्बन से आप हटाएंगे Na को। अब बचा क्या, जब यहां से दोनों हट जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3, CH और ये O, और आपको यहां मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहां पर CH3, CH और यहां आ जाएगा O, और जो ये मिलेगा इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड, और यह है क्या, यह एक एल्डिहाइड है। और आपको मैंने यही बताया था कि जब आप इस रिएक्शन में 1° नाइट्रो एल्केन लेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। अब इसी रिएक्शन में हम ये लेंगे आप CH3, CH, यहां लगा दिया NO2 और यहां लगाओ ऊपर CH3, इसका नाम है लॉन्ग चेन, ये हो जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा 2-nitropropane। और जो ये 2-nitropropane लिखा है इसमें आप देखेंगे नाइट्रो ग्रुप के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा एक अल्फा एच है, तो ये कैसा है, यह एक 2° नाइट्रो एल्केन है। और आपको अगर ध्यान हो मैंने बताया था कि जब आप 2° नाइट्रो एल्केन लेंगे तो जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, कीटोन। तो सबसे पहले जो 2° नाइट्रो एल्केन है इसकी रिएक्शन आप यहां कराओगे, बेस लेंगे आप, क्षार लोगे आप NaOH के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए आप यहां रिएक्शन होगी कैसे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें अल्फा एच क्या होता है, अम्लीय, तो इसका तो ये वाला OH और इसका ये वाला H, ये तो यहां रिएक्शन करके निकालेगा क्या, ये तो यहां निकालेगा -H2O, और जहां पर अल्फा एच था वहां जुड़ेगा कौन आकर Na,
और क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा सी एल थ्री सी एन ओ टू, यहां लगा हुआ है सी एल थ्री और यहां जुड़ेगा कौन आकर एन ए। ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है, किसका, टू नाइट्रो प्रोपेन का, तो यहां लिखेंगे ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ टू नाइट्रो प्रोपेन कहलाएगा। और जो यहां पर ये मिला है बिल्कुल सेम आप यहां कराओगे रिएक्शन, यहां पे आप दिया ओ और यहां हो गया स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, यहां दिया मान लिया आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब होगा क्या, नाइट्रो के पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा, यहां से जाएगा कौन एनओ टू, यहां से हटाओगे आप एन ए को, इन दोनों को आप हटा देंगे तो यहां पे कार्बन के पास जुड़ेंगे आप ओ को, तो देखोगे आप कार्बन से, इस कार्बन से दो लगे हुए सी ए थ्री, तो यहां इस वाले कार्बन से दो तो लगे हुए हैं कौन सी ए थ्री, और आपको ओ जोड़ना है तो ये ओ जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, और यहां जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा एसीटोन, और ये होता क्या है, यह एक कीटोन है। और आपको मैंने यही बताया था कि जब आप इस रिएक्शन में 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेंगे तो प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, कीटोन होगा। और ये आप जानते हैं कि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होंगे वो इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन डजंट शो दिस रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को ही हम नेप रिएक्शन, नेप अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम एच पॉइंट ले रहे हैं बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जैम डाई हैलाइड, यानी जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन द्वारा। पहले हम बात करेंगे कि जैम डाई हैलाइड होते क्या है, ये वे डाई हैलाइड हैं जिसमें एक ही कार्बन से दो जुड़े होते हैं हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, जब दो हैलोजन एटम सेम कार्बन से बॉन्डेड हों तो वे जैम डाई हैलाइड, जिसे हम कहते हैं जैमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। और जो यहां पर आपने ये लिया है ये भी क्या एक जैम डाई हैलाइड है, इसका आप यहां पर करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, और जो आप यहां कराएंगे हाइड्रोलाइसिस वो आप यहां कराएंगे किसके द्वारा, ये आप कराएंगे एक्वस के ओ एच या एन ए ओ एच के द्वारा, यानी जलीय के ओ एच या जलीय एन ए ओ एच आप यहां पर लेंगे। तो यहां देखिए कितने सीएल हैं, दो, तो यहां पर आप क्या लेंगे, यहां पर आप दो लेंगे के ओ एच। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई है, जो आप यहां पर के ओ एच लेंगे ये कैसे लोगे, आप यहां पर जलीय यानी एक्वस लेंगे। और जब आप यहां रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार से होगी, तो इसका तो ये वाला सीएल, इसका ये वाला के, ये तो यहां निकालेगा के सीएल, बिल्कुल सेम यहां पर इसका सीएल, इसका ये वाला के, ये भी यहां पर निकालेगा क्या के सीएल, तो ये यहां पर निकालेंगे ट्वाइस के सी एल, और जहां पर सीएल लगे थे वहां कौन जुड़ेंगे आकर अब ओ एच, और क्या बनेगा यहां पर, ये हो जाएगा सी एच थ्री सी, यहां लगा हुआ है एच, और जहां सीएल लगे थे वहां सीएल की जगह पर कौन जुड़ेंगे आकर ओ एच। और आप जानते हैं कि कभी भी अगर एक कार्बन पर दो ओ एच आ जाते हैं तो ऐसा कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। अब इसको आप जैसे ही हीट करोगे तो ये होगा क्या यहां पर कि ओएच ओएच जो ग्रुप है यो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में क्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, देखिए इसका तो ये वाला एच, इसका ये वाला ओएच, ये यहां पर निकालेगा क्या, ये यहां निकालेगा माइनस H2O।
अब देखिए यहां पे बचा क्या, ये हो जाएगा CH3CHO और यहां आ जाएगा डलवन यहां पर, और क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा C, ये हो गया H और यहां पे आ गया डलवन O, और जो ये बना है ये होगा एसी टल्डी हाइड जो एक एल्डिहाइड है। बिल्कुल सिमिलर ये जो लिया था ये क्या था, जैम डाइहैलाइड। बिल्कुल सिमिलर आप यहां पर एक और लेंगे जैम डाइहैलाइड। तो देखिए मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन से मैंने यहां पर दो लगा दिए मैथिल समूह लगा दिए, मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब यहां पे क्या किया, इस कार्बन से मैंने यहां लगा दिया Cl और यहां पर भी लगा दिया मैंने Cl। अब जो ये लिया है कंपाउंड, इसमें आप देखोगे इसमें भी एक ही कार्बन से दो लगे हुए हैं हैलोजन एटम, तो ये भी क्या है, ये भी जैम डाई हैलाइड है। इसको अगर आप नाम दें तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपिलीडीन क्लोराइड, ये इसका यहां पर नाम हो जाएगा। और जो आपने यहां पर ये लिया है आइसो प्रोपिलीडीन क्लोराइड, इसका भी आप यहां पर कराओगे जलीय KOH या जलीय NaOH के द्वारा हाइड्रोलाइसिस, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। यहां पे लिखा मैंने बिल्कुल सेम, यहां पर दो लिखते आपने, ये हो गया ट्वाइस और ये लिया आपने यहां पर KOH। ये जो KOH आपने यहां लिया है ये कैसा लिया है, एक्वस यानी जलीय। रिएक्शन आप कराएंगे तो देखिए आप यहां पर होगा क्या, इसके तो दो Cl, इसके ये दो K, ये तो यहां निकालेगा माइनस क्या ट्वाइस KCl, और जहां Cl लगे हैं वहां कौन जुड़ेंगे, आकर OH जुड़ेंगे और क्या हो जाएगा ये कार्बन। इस वाले कार्बन से आप देखेंगे यहां एक तो लगा हुआ है CH3, यहां पर भी क्या लगा हुआ है CH3, और जहां Cl था वहां पर आ गया OH और यहां पर भी क्या आ गया OH। अब आप जानते हैं कि एक ही कार्बन पर दो OH अभी जुड़े होंगे, ऐसा कंपाउंड कैसा होगा, ये होता है अनस्टेबल है, अस्थाई है। अब होगा क्या कि जो ये दोनों OH हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को ये एलिमिनेट करेंगे। होगा क्या, एक का तो ये वाला H और इसका ये वाला OH, ये यहां पर निकालेगा माइनस H2O, और जो ये कार्बन और O है यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा और ये यहां पर देगा क्या CH3, और यहां पर आ जाएगा डबल O, और जो ये बना है इसको हम कहते हैं एसीटोन, जिसका IUPAC नाम होता है प्रोपेनॉन। इस प्रकार से आप जैम डाइहैलाइड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन में आपको ध्यान है यहां लिया था मैंने एथिलीडीन क्लोराइड, यह भी एक जैम डाइहैलाइड था जिससे आपको मिला एसिट एल्डिहाइड, और यहां जो लिया था यह था आइसो प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, ये भी क्या है जैम डाइहैलाइड है, इसके द्वारा यहां पे क्या मिला आपको एसीटोन, जिसे हम कहते हैं प्रोपेनॉन। यानी इस रिएक्शन के द्वारा यानी जैम डाइहैलाइड के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो हम करवाते हैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH के द्वारा, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं एज ए प्रोडक्ट। अब यहां पर हम स्मॉल आई पॉइंट ले रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, यानी ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इस मेथड में एक बार ध्यान रखेंगे कि जो ग्लाइकोल होते हैं, ग्लाइकोल होते क्या है, ग्लाइकोल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें दो पास पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जिनमें होगी वो सभी कहलाते क्या है, ग्लाइकोल कहलाते हैं। और जब आप ग्लाइकोल का कराओगे ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड HIO4 या लेड टेट्रा एसिटेट, दोनों में से आप कोई भी एक लोगे ऑक्सीकारक अभिकर्मक के रूप में ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट के रूप में, तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पर ग्लाइकोल। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया सबसे पहले CH2 और यहां लगा लिया मैंने OH, यहां लगा लिया मैंने वापस CH2 और यहां लगा लिया मैंने OH। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि दो पास पास वाले कार्बन पर क्या लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं। तो ये क्या है, ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होता है, इसका यहां पर नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और यहां पर जो आपने एथिलीन ग्लाइकोल लिया है, इस एथिलीन ग्लाइकोल का आप यहां पर कराएंगे ऑक्सीडेशन। यहां पर आप दोनों में से कोई आप एक लेंगे, मान लिया मैंने यहां पर ये ले लिया CH3COO का कर दिया मैंने होल फोर और बांध दिया मैंने PB। इसका नाम क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट। और यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन की। तो यहां देखिए रिएक्शन होगी किस प्रकार से, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जिन दो कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे। क्या बताया मैंने कि जिन दो कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है उसके कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आप सबसे पहले ब्रेक कर देंगे। अब क्या करें, OH का ये H यहां से हटाएंगे, OH का ये H यहां से हटाएंगे, H और H ये निकालेंगे H2। और आप जानते हैं H2 का रिमूवल हम कहते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर यहां बचा CH2O और आप जानते हैं क्या होता है, ये हो गया C, ये हो गया H2 और यहां आ गया डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया CH2O। ये तो मिला आपको इस वाले पोर्शन से, बिल्कुल से नीचे है क्या है CH2O। तो कुल मिला के आपको यहां पर दो आपको मिलेंगे मोल, किसके, जो ये कंपाउंड यहां मिलेगा इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं मेथेनॉल। अब यहां पर हम दूसरा लेंगे ग्लाइकोल। मान लिया मैंने यहां पर ये लिखा इस प्रकार से CH, यहां लगा दिया मैंने CH3, यहां लगा दिया मैंने OH, इस वाले कार्बन से लगा दिया मैंने CH2 और यहां लगा दिया मैंने क्या, OH। अब आप देखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में भी दो पास पास वाले कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH। तो ये भी क्या है, ग्लाइकोल है। और जो ये ग्लाइकोल है इसका भी आप यहां पर करेंगे ऑक्सीडेशन। और यहां जो आप लेंगे, आपको ध्यान है ये CH3COO का होल फोर और बाहर आ जाएगा PB। नाम क्या है इसका, लेड टेट्रा एसीटेट। और यहां पर रिएक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन की। मेथड आप सेम रखेंगे, तरीका मैंने क्या बताया था, तरीका ये था कि जिन दो कार्बन पर OH प्रेजेंट है सबसे पहले आप कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया, फिर क्या करोगे आप, OH का H हटा दिए यहां से, OH का H हटा दिए यहां से, ये निकालेंगे H2। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा CH3CHO, यानी ऊपर का जो पोर्शन है वो तो यहां पर देगा क्या, CH3CHO देगा, जिसका नाम होता है एथेनल, जिसे हम कहते हैं एसीटल्डिहाइड। और जो नीचे का पोर्शन क्या बचा, CH2O, और आप जानते हैं ये क्या होता है, CH और ये H यहां रहेगा डबल बॉन्ड O, और जो ये बना है ये क्या होता है, मेथेनल, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। ये दो आपको इस रिएक्शन में प्राप्त होंगे। अगर इसी रिएक्शन में हम ये ले लें कार्बन, ये हो गया आपका कार्बन, यहां लगा दिया मैंने OH और मैंने यहां लगा दिया OH, इसमें आप देख रहे हैं कि दो पास पास वाले कार्बन पर क्या आ गया, OH, तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोल। मैंने इस वाले कार्बन से दो लगा दिए मेथिल ग्रुप को लगा दिए CH3CH3,
बिल्कुल से मैंने इस वाले कार्बन से भी यहां दो लगा दिए CH3 और ये भी क्या हो गया आपका CH3, ये भी क्या एक ग्लाइकोल है। और जो आपने यहां पर ये ग्लाइकोल लिया है इसका भी आप यहां कराओगे ऑक्सीडेशन। और आपको मैंने बताया था कि ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन के लिए इन दोनों में से आप कौन सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप काम में ले सकते हैं, पर आयोडिक एसिड HIO4 या लेड टेट्रा एसिटेट। मान लिया मैंने यहां पर वापस ले लिया CH3COO का, कर दिया मैंने होल 4, बांध दिया मैंने PB, ये हो गया लेड टेट्रा एसिटेट। अब देखिए यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। सबसे पहला काम क्या बताया कि जिन दो कार्बन पर OH प्रेजेंट है उस कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसको आप सबसे पहले ब्रेक कर देंगे। तो मैंने यहां से इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया पहले, तो फिर क्या किया OH का H हटाया यहां से, इस OH का H हटाया मैंने यहां से, H और H निकालेंगे H2। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर कार्बन से दो लगे CH3, यहां पर आया डलबॉन्ड, यहां कार्बन से दो लगे CH3, यहां पे क्या रहेगा डलबॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहां पर, कार्बन से दो तो लगे हुए यहां पर क्या CH3 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं और कार्बन और O के बीच में क्या रहेगा डलबॉन्ड। तो ये तो मिला आपको ऊपर पोर्शन से, बिल्कुल सेम नीचे नहीं मिलेगा, तो इसके आपको कुल मिलाकर दो आपको मिलेंगे मोल। और जो यहां पर ये मिल रहा है इसका नाम होता क्या है, इसका नाम होता है एसीटोन, जिसको हम IUPAC में प्रोपेनॉन कहते हैं। इस प्रकार से आप ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं, को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहां जितने भी मेथड अब तक मैंने बताए हैं ये सभी वे मेथड हैं जिनके द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक ही रिएक्शन में। और बाकी जो आप मेथड हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।